देखिए जैसा अभी आपके सामने हमने प्रेजेंटेशन रखा, बिल लाओ और इनाम पाओ, इसका मकसद सीधा सीधा ये है कि हम लोग जनता में अवेयर और जागरूक करने का काम कर रहे हैं, साथ में हमें अपना जो हमारा राजस्व है उसमें बढ़ोतरी के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमने ये जो हमारा GST कंपनसेशन जब ये ख़त्म हुआ उसको लेके हमने अनेकों ऐसे अभियान चलाए जिसको लेके हमारा GST इस दौरान बढ़ा है, और मैंने आपको मंथ वाइज एक ब्यौरा दिया है, और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इनकी मेहनत के और मेरे लगातार प्रयास करने के बाद, बैठकों करने के बाद 38% यानी कि अक्टूबर 2022 तक में 38% का इजाफा इस दौरान हमें मिला है, और जो बीच बीच में हमने अभियान चलाए हैं उसमें भी हमें राजस्व की प्राप्ति हुई है, और जो हमारी भारत सरकार है उससे भी हम उम्मीद कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ जो एक प्रेजेंटेशन मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री सीतारमण जी से दिया था उसका लाभ हमें बहुत जल्द मिलने वाला है, और आने वाले टाइम पे उम्मीद कर रहा हूँ कि चाहे हमारे कर्मचारी हों चाहे हमारे व्यापारी हों, इन सबका सम्मान करते हुए हमें राजस्व की बढ़ोतरी होगी, और उसमें मुझे सभी से अनुरोध करना है, उसमें आप भी हमारे उतने ही शुभचिंतक हैं, क्योंकि हम सब उत्तराखंड वासी हैं, उत्तराखंड के हित में हम सब लोग लगे हैं, इस उत्तराखंड के हित में कितना अच्छा हम सब कर सकें सबसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबका सहयोग हमें प्राप्त होगा। धन्यवाद। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।